फिल्म अभिनेत्री अनुश्रिया हमारे साथ बात करने के लिए है। इनकी एक नई फिल्म आई है रजाकर, जिसमें जानते हैं कि इसमें इनकी किस तरीके की भूमिका है और काफ़ी इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी भी रही है। तो आइए जानते हैं मैम किस तरीके का आपका रोल। थैंक यू सो मच इंडिया टीवी आपको ऐसे सवाल पूछने के लिए। ये पूरी कहानी है रजाकार की, रजाकार मूवमेंट की, निज़ाम के टाइम की। तो उसमें मेरा कैरेक्टर निज़ाम की वाइफ का मैंने प्ले किया है। तो 1947 एक मुस्लिम महिला निज़ाम जो उस टाइम के सबसे अमीर राजा थे, उनकी पत्नी का मैंने इसमें किरदार निभाया है, जो पॉलिटिकली काफ़ी एडवाइस देती हैं निज़ाम को और काफ़ी दुखी भी होती हैं जब उनके जब वो फाइनली देखती हैं कि निज़ाम के प्रोविंस में कैसे बच्चे और बच्चे इवन महिलाओं का कैसे मानभंग होता है। तो वो देख के वो काफ़ी सेंसिटिव रहती है उन मैटर्स को, और आप देखेंगे कि कैसे टाइम में लेकिन वो अपने अंदर की बात निज़ाम तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल बीच में आ जाते हैं। इस फिल्म की बात करें तो एक ऐतिहासिक फिल्म है और काफ़ी जो है इस पर कंट्रोवर्सी भी रही। जब इस फिल्म के लिए आपको मौका मिला, आपको स्क्रिप्ट दिखाई गई, तो किस तरीके की आपको फीलिंग आ रही थी, क्या थॉट चल रहे थे? जब मुझे फ़र्स्ट टाइम ये स्क्रिप्ट दी गई तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे अशेम्ड फील हुआ इस बात पे कि कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान, या हमने तो अपने स्कूल कॉलेज MBA सब किए हैं, लेकिन कभी भी रजाकार मूवमेंट का हिस्ट्री में इसका वर्णन नहीं हुआ। तो हमेशा ये चौंकाने वाली बात थी कि कैसे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी है नर्मदा रिवर पे, और आज यूथ को पता नहीं है ये बात कि क्या सिग्निफिकेंस था सरदार पटेल का, जो आज हैदराबाद हमारे अखंड भारत का हिस्सा है। तो मैं डेफिनेटली आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज मेरे को पता था कि ये हिस्ट्री पे मूवी है और ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगी और ये यूथ को मैसेज जाना था। तो मी बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, आई थॉट इट इज़ माई ड्यूटी टू बी द पार्ट ऑफ दिस मूवी, नथिंग एल्स। शूटिंग की बात करें तो जब शूटिंग आप उस दौरान कर रही थी तो किस तरीके की चुनौतियाँ जो हैं आपके सामने फेस आई, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक, आपको अगर सही बताऊं मैं तो देखिए चुनौतियां तो कोई नहीं आई क्योंकि आप एक सबसे अमीर राजा के वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं, और मेरी पूरी शूटिंग थी मैसूर पैलेस में। मैसूर पैलेस खुद में ही बहुत सुंदर है, उसको सेट वगैरह देख के बहुत सुंदर बना दिया। तो सुबह सुबह एक महारानी जैसे 6 बजे आपको रेडी कर दिया जाता था, फिर आप वेट करते थे आपका सीन होगा, शूट होगा, फिर चेंज होगा, फिर तो थ्रू आउट एक बहुत ही फन एक्सपीरियंस था। चैलेंजिंग इसमें नहीं था, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम मैं स्क्रीन पे आ रही थी, तो मकरन सर जो बहुत ही लेजेंडरी एक्टर है हमारे जनरेशन के, तो उनके साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए मेरे लिए एक चैलेंज था कि कैसे, लेकिन ही इज़ ऑल्सो सच अ लविंग ह्यूमन बींग की एक भी सीन में मुझे डिफिकल्टी नहीं ऐसा फील हुई, और ओवरऑल पूरा 8-10 दिन बहुत मज़ा ही आया। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस के लिए? मैं ऑडियंस के लिए बस एक ही बात बोलूँगी कि आज तक हमने आप जब भी आप ये नाम देखेंगे भी सिनेमाघरों के आसपास की रजाकार, तो आप ज़रूर सोचेंगे कि क्यों रजाकार क्या है। तो मेरी बस ये है कि आप वो क्यूरियोसिटी अपने मन की हटाइए और एक बार देखने के लिए आइए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के हीरोइज़म पे मूवी है, और नेहरू को लोग गांधी को लोग बहुत प्रेस कर रहे हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत ऐसे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक उनका इंटेलिजेंस था जिनपे 1 या 10 मूवीज़ ऐसी बन सकती हैं। तो यूथ से मेरी अपील है कि आप हिस्ट्री को भूलिए मत, क्योंकि हिस्ट्री से ही हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, और आगे देश के लीडर्स हम ही हैं, तो हमें अगर हिस्ट्री नहीं पता होगा तो किसे। तो प्लीज़ ज़रूर देखिए आप। थैंक यू टीवी इंडिया लाइव से बात करने के लिए। कैमरामैन विशाल के साथ मैं राम बाबू, टीवी इंडिया लाइव, लखनऊ।